गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज क्लास 11th बिजनेस स्टडीज क्लास। नेम ऑफ चैप्टर वाज इनटू टू पार्ट्स, दैट नेचर एंड सेक्शन इन एंशिएंट इंडिया। फिनिश्ड Chapter 1. Now we are starting with the second chapter, that is forms of business organization. Now, what is the meaning of business? This we did in chapter 1. We did what is business. Business is an economic activity. As we all know, business is an economic activity. It is carried down trip, which will make this chapter more clear to you. So it is in the form of comic strip. Comic strip means हम एक characters generate कर रहे हैं जिसमें हम इस particular chapter को पढ़ेंगे। अब आप देखिए ये pictorial form में depict कर रहा है कि various forms of business organization के किस तरह से होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, आई एम द सोल ओनर ऑफ माय बिजनेस। दिस पिक्चर ओनली टेल्स कि इज द ओनर, सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। नाउ इन दिस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इट हैज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दिस बिजनेस इज रनिंग फ्रॉम ancestral times, means it is a family business and it carries on from one generation to another generation. Like you see many types of jewelry business going on, so generations run it. We will still have many other business of joint Hindu family business types. Then partnership firm in which more than one person is doing the business. Solo proprietorship में एक person होता है, partnership में एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, minimum two are required. Then cooperative society is also a form of business organization. You will see in cooperative society there are various types of business we can take. Like you must have heard of housing cooperative society. अब इसमें क्या होता है, दिस इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स फॉर्म दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें ये मिडिल मैन को हटाने के लिए दे फॉर्म दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, यू हैव सी हर्ड अबाउट वेरियस कंपनीज लाइक रिलायंस लिमिटेड कंपनी, देन देयर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऑल्सो। दिस वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल द फॉर्म्स, but today's topic which we'll take is sole proprietorship. Today's topic is sole proprietorship, where the person is where there is only one owner. Okay, let's go to the next comic strip. I have tried to make it a bit funny. Like, do you have any business idea? Agar aapke paas koi business idea, here there is a chat between a father and a son. Son is talking to his father that father, I have a business idea. After graduation, I want to start my own business of pottery. He must have learned it in his school or in college. So he want to start this pottery business and I'll set up my own business. Now father asks this question, are you planning to start it all by yourself
और वॉन्ट टू इन्वॉल्व एनी अदर पर्सन? क्या आप ये बिजनेस अपने अकेले करना चाहते हो और यू वॉन्ट टू इन्वॉल्व अदर पर्सन ऑल्सो इन दिस बिजनेस? तो हम अगर ये पूरी चैट से कंक्लूजन डिराइव करें, सो द कंक्लूजन इज, डू यू हैव अ बिजनेस आइडिया? एंड इफ यू हैव अ बिजनेस आइडिया, डू यू वॉन्ट टू डू इट ऑल बाई योर सेल्फ? मीन्स इट शुड बी ओन्ड बाई वन पर्सन ओनली? यू वॉन्ट टू स्टार्ट इट ऑल बाई योर सेल्फ? यू वॉन्ट टू रन इट ऑल बाई योर सेल्फ? मीन्स इट शुड बी ओन्ड बाई वन पर्सन ओनली? इफ ओनर डिसाइड्स टू ओन इट, मैनेज इट, कंट्रोल इट ऑल बाई हिमसेल्फ, ही विल कीप ऑल प्रॉफिट. एंड वाई पीपल डिसाइड टू स्टार्ट इट ऑल बाई देमसेल्फ? बिकॉज इट इज ईजी टू फॉर्म. तो अब इस चार्ट में हमें ये समझ आता है कि अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है, यू वॉन्ट टू स्टार्ट द बिजनेस एंड इट शुड बी ओन्ड बाई वन पर्सन ओनली, ओनर डिसाइड्स टू कीप ऑल द प्रॉफिट बाई हिमसेल्फ, इट इज ईजी टू फॉर्म ऑल्सो वन पर्सन बिजनेस, दैट इज वन पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट दिस बिजनेस. नाउ दैट बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. वॉट इज दैट बिजनेस कॉल्ड? सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर. दैट मीन्स ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, सोल ओनर ऑफ द बिजनेस. इसमें आपको किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत है? नो. इसमें लीगल स्टेटस क्या होता है? ओनर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस. ओनर इज द बिजनेस. अगर ओनर है तो बिजनेस चल रहा है. इफ एनीथिंग हैपेंस टू द ओनर, द बिजनेस मे गेट क्लोज डाउन. देन द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. दिस विल स्टडी इन डिटेल इन आर सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. द डिसीजन मेकिंग इज बाय द ओनर ओनली. हाउ दिस फर्म इज बीइंग क्लोज्ड, दैट इज ओनर डिसाइड्स, और टू क्लोज द फर्म और द डेथ ऑफ द ओनर. इज इट इजी टू फॉर्म? यस, इट इज इजी टू फॉर्म. एंड वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस? दैट इज टिल द ओनर इज अलाइव और ओके इन हिज सेंसेस, ही इज मेंटली स्टेबल, द बिजनेस विल कॉन्टिन्यू. नाउ दिस इज द सेकेंड कॉमिक स्ट्रिप विच आई एम शेयरिंग विद यू. नाउ सन सेज, आई विल स्टार्ट द बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाई मी ओनली. I'll bear all the risk and will be recipient of all profits. See here, he has cleared his ideas that ye business main hi shuru karunga. It will be owned by me only. It will be managed by me only. I'll run this business and I'll make all the decisions of the business. It will be controlled by me only. I'll bear all the risk. Main sare risk khud bear karunga aur main sare profits khud hi share karunga. This is what son says to the father. So father says, gives him an idea. Do you want to involve your friends or your brother, other person for additional funds and for sharing responsibilities? You should involve some other person also. Now the son is not interested in involving the other person. So as per the chat, son says that it refers to a form of business, sole proprietorship. Son is interested in sole proprietorship. So what is the meaning of sole proprietorship? We should know the meaning of sole proprietorship. It means it refers to the form of organization which is owned, managed and controlled by one individual only. So this is the meaning of sole proprietorship. Aap isko as a definition of sole proprietorship yaad karo. कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल. नाउ दिस इंडिविजुअल इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बेयरर ऑफ ऑल रिस्क. मीन्स ही विल बेयर ऑल द रिस्क एंड ही विल रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स. सेकेंड, इट इज कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेस. मतलब आप जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हो वो स्मॉल स्केल पे करते हो, जिसमें आप पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, रिटेल शॉप्स हो गए, जिसमें पर्सनलाइज्ड सर्विसेज की जरूरत है, टेलरिंग शॉप्स हो गई.
इसको आप स्मॉल स्केल बेसिस पर करते हैं एंड देन यू विल सी दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सो विद दिस आई कंक्लूड द दिस स्लाइड विल हेल्प यू इन डिराइविंग द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड दिस इंडिविजुअल इज द रिसिपियंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बेयरर ऑफ ऑल रिस्क। नेक्स्ट लेट्स एंड एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर लाइक ब्यूटी पार्लर्स, रिटेल शॉप्स, टेलरिंग शॉप्स, ऑल स्मॉल स्केल पर्सनलाइज्ड सर्विसेज कैन बी टेकन इन सोल प्रोप्राइटरशिप। Now next slide. In next slide, he is answering to the question of his father, "Do you want to involve the other person?" So he says, "I will involve the other person when my business will expand." Means he doesn't want to expand his business now. He wants to keep it at a small scale basis. So he's saying, "I'll involve the other person if my business expands." So his father gives him an idea, then you start sole proprietorship firm because you want to do all by yourself. You want to receive all profits, you want to do all work, you want to bear all risk. That means you should start with sole proprietorship firm. तो हमने डेफिनेशन लर्न कर ली है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इन विच द पर्सन वन पर्सन मैनेजेस कंट्रोल्स द होल बिजनेस। ही ओनली रिसीव्स द प्रॉफिट एंड ही बियर्स द ऑल रिस्क। तो अब इसी डेफिनेशन से हम फीचर्स को जनरेट करते हैं। आई जस्ट सेड इजी टू फॉर्म। सो वन फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज इट इज इजी टू फॉर्म। यू डोंट नीड एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड अंटिल अनलेस सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन विच परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड और लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज इट इज इजी टू फॉर्म अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। यू मस्ट हैव सीन इन मेनी शॉप्स, रिटेल शॉप्स, यू मस्ट हैव सीन दे पीपल ऑपरेट फ्रॉम होम ऑल्सो। उनका घर होता है, उन्होंने नीचे अपने घर के नीचे एक शॉप ओपन कर लेते हैं एंड देन स्टेशनरी शॉप्स देख लीजिए। आपके स्कूल के आसपास कई स्टेशनरी शॉप्स होती हैं। दे ओपन अ दे गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू ऑपरेट ऑन कमर्शियल बेसिस एंड दे स्टार्ट अ शॉप। तो दे ऑपरेट फ्रॉम होम ऑल्सो। सो इट इज इजी टू फॉर्म बिकॉज यू नीड स्पेस एंड देन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट फंड्स। सो फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑल्सो यू डोंट नीड एनीबडीज परमिशन टिल यू योर डेट्स आर क्लियर्ड एंड यू वॉन्ट टू क्लोज द बिजनेस। इट इज इजी टू फॉर्म एंड लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। इट इज इजी टू क्लोज ऑल्सो। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑल्सो इफ वी सी द डेफिनेशन सेज दैट One person manages, controls the whole business. He is recipient of all profit and bearer of all risk. What do you mean by bearer of all risk? That means he is going to bear the losses also. Now, this particular term says unlimited liability. Means he has to pay his debts. Unlimited liability क्या होता है? पहले तो हमें समझना है liability क्या होता है। लाइबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू पे योर डेट्स। आपने जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, यू हैव टू पे योर सप्लायर्स। ओके, सो दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू पे ऑफ इट्स डेट्स। यहाँ पर बिजनेस का मतलब सोल प्रोपराइटर है क्योंकि सोल प्रोपराइटर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस, क्योंकि एक ही पर्सन यहाँ मैनेज कर रहा है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? ये जो ऑब्लिगेशन है डेट्स को पे करने की, दैट लाइज विद द सोल प्रोप्राइटर। नाउ व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? ओनर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म। हियर ओनर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म।
इन केस बिजनेस में पैसा नहीं है या बिजनेस इज शॉर्ट ऑफ फंड्स टू पे द डेट्स, देन हाउ ओनर विल पे? ओनर विल पे फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट्स. वो अपनी पर्सनल एसेट्स, पर्सनल सेविंग्स से बिजनेस के डेट्स पे करेगा. दिस मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुल. दिस पर्टिकुलर फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो. बार बार पूछा जाता है कि लाइबिलिटी क्या होता है. लाइबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू पे ऑफ डेट्स. लाइबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशन बिजनेस की डेट्स पे करना की. और अनलिमिटेड क्या होता है? अपनी पर्सनल सेविंग से पे करनी पड़ती है, पर्सनल पॉकेट से पे करनी पड़ती है अगर बिजनेस के पास पैसा शॉर्ट हो. दैट मीन्स इफ ओनर इज शॉर्ट, इफ बिजनेस इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, दैट ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म, एंड ही विल यूज हिज पर्सनल सेविंग्स टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म. वाई? बिकॉज ही इज सोल बियरर ऑफ रिस्क. देयर इज नो अदर पर्सन इन्वॉल्व, सो ही इज सोल बियरर ऑफ रिस्क. एंड सिंस ही इज टेकिंग दिस रिस्क, सो ही विल रिसीव द प्रॉफिट. ही इज द ओनली पर्सन हु विल रिसीव द प्रॉफिट. नाउ द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट फीचर इज कंट्रोल. The control lies with the owner only. If he wants to continue with the business, he can continue with the business. All the decisions will be made by the owner only. तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने चार फीचर्स पढ़े. पहला था इजी टू फॉर्म, इजी टू क्लोज, दैट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर. दूसरा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? जिसमें ऑब्लिगेशन जो डेट्स पे करने की है वो ओनर के साथ लाई करती है, एंड ही हैज टू पे फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट्स इफ बिजनेस डज नॉट हैव फंड्स. सोल बियरर ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट रिसीपिएंट, क्योंकि वो सारा रिस्क खुद ही बियर कर रहा है, सो ही विल बी रिसीविंग ऑल द प्रॉफिट्स ऑल्सो. क्योंकि उसके लिए इंसेंटिव तो प्रॉफिट ही है ना, बिकॉज ही विल बियर ऑल द रिस्क. द कंट्रोल लाइज विद The owner only. He will make all the decisions. Then no separate entity. Owner and business are same in the eyes of law. Please listen to this term carefully. They are same in the eyes of law. What do you mean by eyes of law? That means business is not separate from its owner. If anything goes wrong in the business, लॉ विल मेक हिम रिस्पॉन्सिबल. अगर कुछ गड़बड़ होती है तो बिजनेस में, तो सोल ट्रेडर रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ही इज ऑपरेटिंग द बिजनेस. एम आई क्लियर? देन लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. अगर ओनर की डेथ होती है तो बिजनेस विल बी क्लोज्ड डाउन. इफ ओनर इज नॉट साउंड, मेंटली साउंड, देन बिजनेस हैज टू क्लोज डाउन. So that these are the features of the business, or with these are the features of the sole proprietorship firm. We can revise it one more time. First, it is easy to form and easy to close. We can learn it here only. कि इसको form करना और close करना दोनों ही आसान होता है. Liability lies with the owner, so it is unlimited liability. And since he is paying from his personal pocket also, he will bear all the risk and he will be recipient of all profits also. Control lies in the hands of the owner only. The right to run the business and decision making lies with the owner only. And the next is, it is not separate from its owner. Business is not separate from its owner. Anything goes wrong in the business, owner will be responsible for that. Then the last feature which we discussed was lack of business continuity. If anything happens to the owner, the business is going to shut down or close down. Now what are the merits? Kya fayde hai sole proprietorship firm ki? What are the merits of sole proprietorship firm? Ye jitna bhi humne padha hai iske merits फीचर्स में से ही वी कैन फाइंड आउट. फर्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग. मीन्स सिंस ओनर इज मेकिंग ऑल द डिसीजन, सो डिसीजन कैन बी टेकन फास्ट
अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में या प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट करना है हमें, तो डिसीजन कैन बी प्रॉम्प्ट. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू कंसल्ट एनीबडी. तो ये उसका डिसीजन है वेदर ही वॉन्ट्स टू गेट इन टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और नॉट. नाउ द सेकेंड मेरिट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब सोल प्रोप्राइटर कैन कीप ऑल बिजनेस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी. सोल प्रोप्राइटर जो है सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है. मीन्स ही डज नॉट नीड टू शेयर विद इट विद एनीबडी. ऑल डिसीजंस ही इज टेकिंग, ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटर नोज. तो ऑब्वियसली सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड. अभी एक फीचर था इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज. तो आप देखो यही फीचर को हम इसका मेरिट भी ले सकते हैं, दैट इट इज इजी टू फॉर्म एंड इट इज इजी टू क्लोज एंड वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. देन ही इज द सोल रिसिपियंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, सो दैट इज डायरेक्ट इंसेंटिव. विच लैंग्वेज लाइन्स आई एम रीडिंग फॉर यू, दे आर द एक्सप्लेनेशन. वॉट इज डायरेक्ट इंसेंटिव फॉर सोल प्रोप्राइटर्स? दैट इज प्रॉफिट इज द डायरेक्ट इंसेंटिव फॉर सोल प्रोप्राइटर. ही इज द रिसिपियंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स. देन द नेक्स्ट लाइन इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. जब आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो जब आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो यू फील सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि ये सक्सेस हो रहा है बिजनेस बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क. मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव फेल्ट व्हेन यू स्कोर गुड, यू फील सेटिस्फाइड कि देखो हमने अच्छी से पढ़ाई की, हमारे अच्छे मार्क्स आए. सो दिस सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कम्स बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट यू हैव जनरेटेड फ्रॉम योर हार्ड वर्क. दैट इज इंसेंटिव इज इंक्रीजिंग. इफ द इंसेंटिव इज गुड, प्रॉफिट इज हाई, सो यू फील सेटिस्फाइड दैट येस माई बिजनेस इज सक्सीडिंग. सो इट गिव्स दिस सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन. सो हाउ मेनी मेरिट्स वी हैव डन? 5 मेरिट्स वी हैव डन, विच वी हैव टेकन आउट फ्रॉम द फीचर्स ओनली. दैट इज क्विक डिसीजन मेकिंग. सोल प्रोप्राइटर कैन मेक डिसीजन ऑन हिज ओन, सो द डिसीजंस आर क्विक. ही डजंट नीड टू कंसल्ट एनीबडीज, डजंट नीड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. सिंस ही इज मेकिंग ऑल द डिसीजंस, सो सीक्रेसी इज बीइंग मेंटेन्ड. द इंफॉर्मेशन रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल. Then it is easy to form and easy to close. The profit goes to the proprietor only, so it is a direct incentive for the proprietor. And sense of accomplishment is also there. He feels satisfied if the business is successful. Now, with there are two sides of a coin. With every merits, there are certain demerits also, limitations also. What are the limitations of sole proprietorship firm? Sole proprietorship firm के limitations क्या हैं? बेटा सबसे पहला limitation जो नजर आता है, एक ही person काम कर रहा है. He is working, so he doesn't have so many skills involved with him. तो जो last point है, I'll discuss that first. That is limited managerial ability. It is difficult for the owner to excel in all areas. That means he cannot excel in the, I can say, he cannot excel in the marketing area, technical area. He cannot excel in the what is you say? He cannot have knowledge of all the areas in of the business production area. So there are some limited managerial ability of owner which sometimes come as a hurdle for sole proprietorship firm. In the same way, if ability is limited, then the resources are also limited. उसके पास funds, resources में क्या ले सकते हैं? जो major resource है वो funds है हर business के लिए. अगर funds एक पर्सन बंदा invest कर रहा है तो he must have limited funds. So if he wants more fund, he has to involve somebody else. Second thing, he can take
लोन फ्रॉम बैंक्स, बट समटाइम्स बैंक ऑल्सो हेजिटेट टू गिव लोन टू अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग गुड मार्केट रेपुटेशन, और आई विल से हु इज हैविंग रिस्ट्रिक्टेड फंड्स और रिसोर्सेज. तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी एक रीजन होते हैं जो कि मेजर हर्डल आता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में. सबसे मेजर जो हर्डल है वो है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस. एक बिजनेस की लाइफ उतनी ही है जितनी सोल प्रोप्राइटर की है, अंटिल अनलेस कोई और उसको कंटिन्यू करे. सो दैट इज एक्सेप्शनल. सो द लाइफ ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड, एंड हाउ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस इज देयर, एंड मोर ओवर बिजनेस क्लोजेज डाउन विद द इंसेनिटी डेथ ऑफ प्रोप्राइटर और एनी इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रोप्राइटर. एंड देन द नेक्स्ट लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर. ये प्रोप्राइटर के लिए है क्योंकि उसको अपनी पॉकेट से कई बार डेट्स क्लियर करने पड़ते हैं इसके सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के. तो ये चारों लिमिटेशंस हैं, पांच मेरिट्स से चार लिमिटेशंस है. दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द बिजनेस. नाउ आई एम रीडिंग फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू एज एन असाइनमेंट ऑफ दिस टॉपिक. दैट देन वील रिवाइज दिस टॉपिक. दे विल कवर ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप. टुमारो वील डू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस आई हैव टेकन आउट. द फर्स्ट रिक्वेस्ट इज यू डाउनलोड ENCRT, एंड इन दैट देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट लाइंस व्हिच यू विल फाइंड व्हिच आई हैव यूज्ड इन दिस PPT. सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर दोस क्वेश्चंस. व्हाट इज द होमवर्क, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. नाउ दिस स्टेटमेंट सी, द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न सिंक्स और स्विम्स विद द प्रोप्राइटर. दैट इज क्वाइट राइट, इट्स ट्रू. व्हाई? बिकॉज वंस द सोल प्रोप्राइटर डाइज द फर्म सिंक्स, एंड इफ ही इज एबल टू रन हिज बिजनेस द फर्म इज सेल्स विद द सोल प्रोप्राइटर. तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो प्रोप्राइटर के रहने से ही चलती है और उसके डेथ से ही उसकी क्लोज होता है. देन सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. दिस इज फॉल्स, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो स्मॉल स्केल और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के लिए यूज होती है. एंड दिस ब्लैंक यू ऑल नो, इट हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नाउ अ क्रिएटिव होमवर्क फॉर यू which I would like you to try yourself. Those who are good in drawing can form a comic strip, or mind map can be drawn by everybody. Mind map means that what you have to do is you have to draw a chart of forms of business organization. On the top you will write down the business, and then you will divide into the first part that is called sole proprietorship. अब उसमें आप उसका मीनिंग लिखेंगे, एंड देन यू विल राइट डाउन द फीचर्स इन द नेक्स्ट स्टेप, एंड देन मेरिट्स एंड लिमिटेशंस. आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट डाउन फुल लाइंस, इट्स जस्ट द हेडिंग्स व्हिच आई हैव रिटन इन द PPT. यू विल बी राइट डाउन डेफिनेशन पूरी होगी, फीचर्स की हेडिंग होगी, मेरिट्स की हेडिंग होगी, लिमिटेशंस की हेडिंग होगी. दिस विल हेल्प यू इन एग्जाम टाइम. ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, एंड यू विल बी एबल टू लर्न इट फास्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्ट. Then which form of business is suitable for tailoring shop? That is again sole proprietorship firm. Now let's revise the topic which we have done today from the previous slides. Those who have joined late, this is for them. Now the next chapter, this is chapter 2, which is forms of business organization. It's a quick recap, so we can skip recap tomorrow, or we can take up your doubts, or I can discuss some questions related to sole proprietorship from tomorrow. So what are the forms of business organization which we'll discuss in chapter 2? That there are five forms which we'll be discussing is
फर्स्ट फॉर्म विच आई हैव टेकन टुडे इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सेकेंड फॉर्म इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. दिस इज इंसेस्ट्रल बिजनेस. दिस विल बी डिस्कसिंग टुमारो. देन देयर इज पार्टनरशिप फॉर्म वेयर टू और मोर पर्संस ज्वाइन और कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस. Then there is cooperative society. This cooperative society is being formed for the mutual benefits of the members of the society. आपने देखा होगा consumer cooperative society है, housing cooperative society है. There are so many types of cooperative societies. Then joint stock company. This is the company is when we invite the public to invest funds in our business or sometimes. It's in private limited company, we don't open for the public. This we'll study later on. But company jo hota hai, it's a larger form of business organization. The first form which we have done, it's a comic strip that a son had a business idea. So he tells his father that I have a business idea or he is good in pottery. So he wants to start the business. I want to start this business after graduation. So I want to start my pottery business. I will set up my own business. I don't want to involve. When saying I will set up my own business means वो अपना business शुरू करेगा. The father asked, "Are you planning to start all by yourself or you want to involve any other person? क्या आप ये सारा business खुद run करना चाहते हो or you want somebody else to be with you in the business? So I started with a question that if you have a business idea, do you want to run start it all by yourself? You want to own this business? Owner wants to keep all profit, and it is easy to form. अगर आपके पास business idea है, आप कुछ शुरू करना चाहते हो, own करना चाहते हो, because you are working, you will keep all profit. You are bearing all risk. और ये easy to form है. देखो इसमें ही इसी slide में ही आपको features मिल गए. Owned by one person, then owner keeps all profit, and it is easy to form also. What is the name of this business organization? Sole proprietorship. अब इसकी requirements क्या होती हैं? कोई legal requirements नहीं होती हैं. Less legal formalities. अगर कोई production में आपको licensing की ज़रूरत है, then legal status who is owner is not separate from the business. See. अभी हम ये पीपीटी पढ़ चुके हैं तो अब जो सुन रहा होगा रिवीजन के दौरान उसको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. ये एक फीचर था, ओनर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस. तो लीगल स्टेटस कौन है? ओनर ही है. ओनर इज द बिजनेस. इफ ही इज देयर अलाइव इन बिजनेस, बिजनेस इज देयर. द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. दैट मीन ओनर इज हैज टू पे फ्रॉम हिज पॉकेट ऑल द. Then management, owner controls all the business. All decision making process is being done by owner. And then dissolution when owner decides or owner dies. It is easy to form and easy to close. The duration as long as the owner wants. If he wants to run the business will continue. Then in this comic strip, he tells that he will own the business, he will manage and control the business, he will bear the risk of the business and will be the recipient of all profits. So he has made his idea clear that he wants a form of business organization which is owned, managed and controlled by him only, by one individual and individual. And he is going to receive all the profits and he bear all the risk. So this is called sole proprietorship. और आप ये देखो, ये पॉटरी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ये स्मॉल स्केल पे शुरू कर रहा है, तो इसके लिए भी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है. इट इज कॉमन इन एरियाज, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर्स, रिटेल शॉप्स एक्सेट्रा. देन वॉट आर द फीचर्स? See, his father advises him to involve other person also. He says, "When I'll involve the person when my business expands." So the feature of sole proprietorship is it is easy to form and it is easy to close also. Less legal formalities are involved. So, हमें features अब धीरे-धीरे याद हो रहे हैं. That is, it is easy to form, easy to close.
Since it is easy to form and easy to close, the one person in world control lies with the owner. So, in your mind map, you can write down control or isko ek simple line likh sakte ho, control lies with the owner. Your decision making lies with the owner. Then there is unlimited liability, that is owner is going to bear all the risk. So, he is personally responsible to pay the debts of the firm. In case assets of the business are not sufficient, then owner is not separate from its business. In eyes of law, owner and business are one because he is managing the business. And if anything happens to the owner, the business will close down. So it the merits of the business, if we see it is quick decision making process, you need to consult others. Then there is confidentiality of information. Since you are not consulting others, you are making quick decision making. So in that case, when you are not consulting others, you are keeping all the information all by yourself. Who all? Owner. Owner is restricting the information, important information by himself. So secrecy will be maintained. It will be easy to form and easy to close the business. Less legal formalities will be involved. Now this easy to form and easy to close is a direct incentive for the businessman. Asani se ban sakta hai. Moreover, jo profit hai, wo bhi he will receive. He will be the sole recipient of. And it gives sense of accomplishment also. If business is successful, it will lead to his personal satisfaction. There are certain limitations of the business. Now, what are the limitations of the business? Sole proprietorship firm has limited life. Means till the owner is alive, the business is alive and the resource, limited life of the business is there. And the resources are also limited. Jitna paisa owner ke paas hai, utna hi uski personal savings wo use kar sakta hai. He can take loan from the bank also, but bank will also hesitate kyunki it's a small scale of business. And owner might not have, I will say, very good reputation in the market or less knowledge is there about the owner. He need, bank needs various legal formalities, so that is why the funds are limited. Then the unlimited liability of the owner. Owner will be responsible to pay off its debts from his personal pocket. So that is unlimited liability of the owner. And the managerial skills of the owner are limited. Might not excel in all the areas. He may be good in marketing, or may be good in technical, and may not be good in other areas. So, these are the limited managerial ability of the business. Then, homework today is you have to find out who in false and try to write some explanation also. Like I am giving, the sole proprietor concerns, sinks or swims with him. So, ye आपकी लिमिटेड लाइफ से रिलेटेड है. दैट इल द ओनर इज अलाइव और ही इज एबल टू रन द बिजनेस, द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न स्विम्स विद द ओनर. देन सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. फॉल्स है. इट इज सूटेबल फॉर पर्सनलाइज सर्विसेज और स्मॉल स्केल बिजनेस. सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज he has to pay debts of the firm from his personal pocket also. Then you try to form a mind map for the features, merits, limitations. Which form of business is suitable for tailoring shop? That is sole proprietorship firm. Why? Because it is small personalized service and small scale business. So this was the topic for today. Tomorrow we'll doing joint family business. We'll be doing it in detail. Thank you.